गुड इवनिंग बच्चों, कल हमने बहुत सारी चीज़ें देखी बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, इसके अंडर में हमने 2D और 3D को समझा बहुत ही अच्छे से। हमने विजुअलाइज किया प्लेन के शीट में, प्लस अपने कमरे में भी हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखा। बट हमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखने बाकी है, तो चलिए देखते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा लेक्चर विथ यूनिट कन्वर्जेंस। फिजिक्स में हम बहुत सारी यूनिट के रूबरू होंगे, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको पता भी है और पता आपको नहीं भी है, बट वी हैव टू कन्फर्म कि आपको पता है, क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आपके पास ऐसी आ जाएंगी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, वहाँ तक ठीक है। चार्जेस में माइक्रो, मिली, पिको, फेंटो, ये सब आ जाएगा और आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो, इसलिए चलिए इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ में। हेडिंग डाल लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को हम बेसिकली किसमें मेजर करते हैं, हमने सबने सुना होगा SI यूनिट में। SI यूनिट एक्चुअली होता क्या, हर चीज का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। हमने चीजों को SI यूनिट, जैसे हमने लेंथ लिखा है, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, SI यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग सर ये होनी चाहिए थी METER। तो सही कौन सी है, देखो यार ग्रामर तो है नहीं, दोनों सही है, एक UK की इंग्लिश में है कि USA की इंग्लिश में है, दोनों चलता है। बेसिकली हम इसको लेके चलेंगे, अपनी मर्जी यार कौन सा हमको फुल लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम, टीचर को क्या ही पता चलेगा। सेकंड थिंग इज, हम मीटर में हर चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको आपका फिजिक्स का टीचर बोले कि भाई आपके पास एक छोटा सा लेंथ है, मान लीजिए चार्जेस के कैलकुलेशंस में अगर आपको उसने दे दिया कि देखो बेटा एक छोटा सा लेंथ 0.00001 मीटर, इसके साथ आप कैलकुलेशन करने में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो नियर अबाउट अप्रोचिंग टू जीरो ही है, तो जीरो मान के चलते हैं। और बेटा जिस मोमेंट आपने ये कर दिया ना, बता रहा हूँ फिजिक्स की आत्मा रो पड़ेगी, तो ये ना करो। इसलिए हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले यूनिट कन्वर्जेंस को, तो स्टार्ट करते हैं SI यूनिट से। SI यूनिट हमारा लेंथ का होता है मीटर, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा यूनिट आएगा जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर mm इज इक्वल टू 10^-3 मीटर। मैंने जैसे कि आपको कल कहा था कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और आप ये बेसिकली ये पावर वगैरह चीजें ये आप बहुत ही छोटी स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके होंगे, तो आई थिंक आप में से बस जो एक या दो ही ऐसे महान लोग होंगे जिनको ये पावर वाला सिस्टम याद नहीं होगा, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप यहाँ के मैथ्स वाले लेक्चर को देख लें एक बार। तो लेट्स रिज्यूम। मिलीमीटर से भी छोटा एक यूनिट होता है, मोस्ट कॉमनली यूज, इनके बीच में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं बट हमारे काम के नहीं है। हमारे काम कब आता है, माइक्रोमीटर। ये जो मैंने यू की तरह बनाया है ना, ये इसको हम कहते हैं माइक्रो। कौन सी भाषा में सर, ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा तो सर हमने पढ़ी नहीं, हमें क्या पता, मैं बता रहा हूँ बोलते हैं, हमको ग्रामर में यूज नहीं करना, किसी का नाम नहीं लिखना हमको ग्रीक में, हमको बस माइक्रो लिखना है ऐसे। माइक्रो में सर पावर क्या होगा, पावर होगा सर माइक्रो में 10^-6 मीटर, ठीक है। उससे भी छोटे में आते हैं हम, नैनो। नैनो क्या होता है सर, टाटा की एक गाड़ी होती है नैनो। नहीं होती है, बट हमको फिजिक्स में गाड़ी का रोल नहीं है ना, हमको फिजिक्स में यूनिट्स का काम है। नैनो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, जो कि ये है 10^-9 मीटर। इसका मतलब देखा जाए तो 0.9×0000001 मीटर, बहुत ज्यादा छोटा है यार ये तो, है ना। तो आपसे पता है मुझे डर लगता है अगर आपको कोई बोल दे कि जीरो जीरो के जीरो पॉइंट के बाद 9 जीरो के बाद 1, तो आप उसको बोल देंगे सर अप्रोचिंग टू जीरो है, इसको जीरो मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ हम पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाते हैं, पीको। पीको क्या होता है सर, अमिताभ बच्चन की मूवी है सर पीको। नहीं, पीको ये अलग है, 10^-12 को बोलते हैं पीकोमीटर, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे याद कर सकते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको।
हर यूनिट में 10^-3 का डिफरेंस है. 10^-3 में -3 लगाइए आप, क्या आ जाएगा? -6. -6 -3 क्या आएगा? -9. -9 -3 क्या आएगा? -12. सर एक और बार -3 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एक और यूनिट होता है बेटा जिसको हम कहते हैं फेमटोमीटर, बड़ा एफ. सर ये तो ग्रीक में नहीं है, हनी है तो मेरी मर्जी, मेरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जिन्होंने बनाया है उन्होंने ऐसे बनाया है. फेमटोमीटर 10^-15 मीटर, ठीक है. तो सर और कोई यूनिट होता है क्या जो हमारे काम आ सकता है? हाँ बेटा एक यूनिट होता है जिनमें हम -3 का रोल प्लस या माइनस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक अलग यूनिट लिखेंगे. इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम. क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर एक छोटा सा बिंदु. सर ये क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर. ये चीज आप नोटिस करिए कि आप इनमें से किसी में भी +-3 करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये अलग ही एक यूनिट का मीटर होता है जो इन सबसे अलग है, बट स्टिल लेंथ का एक बहुत ही क्रूशियल यूनिट है. आप जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जब डेरिवेशन बना रहे होंगे, तो आप बहुत बार इस यूनिट के रूबरू होंगे कि सर ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है. एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है 10^-10 मीटर्स. फाइन, तो ये हमारा लेंथ के यूनिट्स को बहुत ही क्लोजली से देखना. इन चीजों को आप याद कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. और अगर आप नहीं करें तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको याद हो ही जाएंगे. तो बेटा चलो हमने लेंथ देख लिया, अब लेंथ के बाद क्या आता है? आपके 11वीं के गुरुजी ने अगर आपको पढ़ाया, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अपने कमेंट में अभी लिखना है कि सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया या हमें पढ़ाया गया है. कि स्टार्टिंग में एक बोरिंग सा या बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा एक चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो भी आपका अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े हो तो. उसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं कि बेटा आपको आपके आपके गुरुजी आपको बताएंगे कि देखिए MLT सिस्टम होता है, मास लेंथ एंड टाइम. कोई भी चीज हो आपकी जिसको आप कहें, अगर वो फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, करंट है, इवन कैपेसिटेंस है, क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे. तो इस चीज को आप इजीली MLT मास लेंथ एंड टाइम के डायमेंशंस में आप बता सकते हैं, ठीक है. तो आपका मास भी आया हुआ, तो चलिए मास को देखते हैं. मास के यूनिट्स आपने क्या देखे हैं? यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है. अब मास के यूनिट्स देखने से पहले हम 5 मिनट बात कर लेते हैं कि मास भाई होता क्या है. आप में से कितने लोग अपने घर के काम में ज्यादा ज्यादा बिजी रहते होंगे कि मम्मी बोलती है पढ़ने के बीच में कि बेटा जा धनिया ले आ, बेटा जा आलू ले आ. आप में से कई, अगर आप लड़के होंगे तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करते होंगे. तो आप मान लीजिए आप गए हैं पढ़ाई पढ़ाई के बीच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मम्मी ने कह दिया जा 2 किलो आलू ले आ. आप गए दुकान में किराने वाले के साथ, सामने किराने वाले के साथ तो जाओगे नहीं, किराने वाले के सामने ही जाओगे. तब उसने क्या, आपने, आप हैं हमारे स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स, आप मास और वेट के सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं. दुकान वाला आपसे पूछा कि कितना आलू चाहिए, आपने कह दिया 2 न्यूटन आलू चाहिए. अरे ऐसे कैसे, तुमने मेरे से वेट पूछा, मैंने वेट बताया भाई 2 न्यूटन. मैं बता रहा हूँ वो दुकानदार तुम्हें मारे ना मारे, और तुम्हारा टीचर जरूर तुमको मारेगा जब उसको ये बात पता चलेगी. तो बेटा मास और वेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से इस चीज को रट्टा मारा होगा या नहीं पता नहीं, लिखो. लेट्स टॉक अबाउट दिस. आपने कहा होगा कि नहीं कहा होगा कि सर मास क्या होता है और वेट क्या होता है. तो आपके गुरुजी ने ही बताया होगा कि चल भाई एक ही बात होता है, क्या करना है तुझे, PhD करनी है क्या? मैं बता रहा हूँ, मास जो होता है वो किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है उस चीज का मेजरमेंट है. अब उस चीज को हम मेजर करते हैं kgs में. जैसे ये एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये 1 kg का बॉक्स है आयरन का. तो इसका मतलब क्या है? इसका बेटा मास है ना, मास है इसका 1 kg मास है. मतलब इसमें कितना लोहा भरा है इस डब्बे में, ये जो डब्बा लोहे से भरा है बना है, इसमें कितना लोहा भरा है? इसमें बेटा 1 kg लोहा भरा है. अब इससे अगर आप पूछे कि इसका सर वेट कितना हो जाएगा, तो आप 11वीं में चीज पढ़े होंगे कि इसमें कोई कुछ चीज लगती है, कुछ है कुछ चीज, इसको हम कहते हैं जी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं छोटा वाला जी को. तो वो लग जाता है. तो सर इसका वेट कितना होगा? उस अकॉर्डिंग वेट सर इसका हो जाएगा जी इंटू
बॉस का वजन आपने कितना लिखा है, मास 1 kg, तो जो भी है आंसर आ जाएगा नॉन न्यूटन। तो अगर आपसे आप तो कोई वेट पूछे तो अगर आप क्या कहेंगे, 45 newtons, 50 newtons, और लोगों के रिएक्शंस देखना था, कंफ्यूजन, फिजिक्स ना पढ़ने का दर्द इसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक में वापस आते हैं। वेट का बेटा ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ऐसा यूनिट है हमारा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास होती है हमारी किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं बड़े पैसे केजी। तो आप बोलेंगे कि मास्टर तू तो बोला था कि जब लेंथ की बारी आई तब वो हो गया मीटर, बट जब मास की बारी आई तब तूने केजी क्यों लिखा, किलो क्यों लगा, तूने पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा मैक्सिमम चीजें ये मैंने तो बनाई नहीं है, जो फिजिसिस्ट, जो लेक्चरर्स, जो साइंटिस्ट पहले रह चुके हैं, जिन्होंने पहले कैलकुलेशंस कर चुका है फिजिक्स में, उन्होंने ऐसा यूनिट बहुत ही सोच समझ के बनाया है, बहुत ही इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए हैं। तो ये किस आधार पे बने हैं? अगर आप डे टू डे लाइफ में चीजें देखने जाएंगे तो मोस्ट कॉमनली मीटर्स के फॉर्म में रहती है। आपके सामने जो आपकी डाइनिंग टेबल होगी ये 1 या 2 मीटर की होंगी, आपके रूम में जो पर्दा लगा होगा वो भी 1 या 2 मीटर का होगा, सेंटीमीटर्स के फॉर्म में तो होगा नहीं, 5 या 6 सेंटीमीटर, बेटा उसको रुमाल कहते हैं। ठीक है, बट अगर हम मास को देखें, मास कॉमनली किस चीज के पास, कौन सी यूनिट में बेसिकली होता है? मोस्ट कॉमनली आपके पास जो आपका वाटर बॉटल होगा जिसमें पानी भरा होगा वो आधा से 1 किलो का होगा, केजी का। आपके सामने आपका जो डेस्क या बेंच होगा वो भी केजीज में ही होगा, आपके ग्राम के तो फॉर्म में होगा नहीं, 1 या 2 ग्राम का। अगर आप बोले कि मेरा टेबल है आपका, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, पहला कि बेटा आपका जो टेबल है वो कागज से बना है, या दूसरा पता नहीं आप शायद मेंटली अनसाउंड हो। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होता है मास का केजी। थोड़ा सा हम फेरबदल करते हैं चीजों में और देखते हैं इसकी और कौन सी यूनिट्स हैं जो हमको देखने मिलेंगी। पहला हमको मिलता है एमजी, मिलीग्राम। आपका आपने मोस्ट कॉमनली दवाइयों में देखा होगा कि 1 mg 2 mg की दवाई है, कितना होता है 10^-3 ग्राम। ठीक है, हम आ गए ग्राम में, किलो का अर्थ होता है बेटा 10^3 ग्राम, मिलीग्राम का अर्थ होता है 10^-3 ग्राम। ठीक है, मिली के बाद हम क्या आए थे, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम होता है 10^-6 ग्राम, और इसके बाद क्या आता था, पिकोग्राम, 10^-, कितना है, -9। ठीक है सर, आपने नैनो को कैसे भूल गया? देखिए बेटा यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स में आपका यहीं तक यूज होगा, मैंने जो नीचे माइक्रो और पीको और नैनो जो भी बता रहे हैं वो के किसी काम के नहीं है, बट हालांकि आपके ग्राम, केजी और एमजी में आपको फर्क पता चले, इसलिए हमने इस यूनिट को ऐसे स्टार्ट किया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं टाइम का मेजरमेंट, कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम में, यूनिट्स ऑफ टाइम। सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है पता है भाई, लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम को भी सर आप किस चीज में नाप लेंगे, टाइम को हम बेसिकली किस चीज में नापते हैं? ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होता है बेटा सेकंड। यस, अब आप बोलोगे मास्टर तू तो बोला था कि जो चीज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है हम उसी चीज में साइंटिस्ट ने, हमारे पढ़े लिखे दाढ़ी वाले लोगों ने रखा है, और सेकंड तो हम यूज नहीं करते। आप सही बात है बेटा, सेकंड में तो हम यूज नहीं करते हैं। कोई आपको बोला कि जल्दी घर आ जाओ, तो अब मम्मी आपकी बोल रही है बेटा कितने देर में घर आएगा, आप सेकंड में तो बोलोगे नहीं मम्मी 3600 सेकंड में, आप बेटा मिनट्स में बोलोगे या घंटों में बोलोगे। ठीक है, बट हमने सेकंड क्यों रखा है? चलो हमने तो रखा नहीं है, हमारे जो भी पूर्वज है जो ये चीज को लेके खेलते थे, इन्होंने सेकंड्स ही क्यों रखा? सेकंड्स बेटा रखने का ये मतलब था कि टाइम के साथ जो कन्वर्जन है ये बेसिकली साइंटिस्ट ही करते थे, और साइंटिस्ट बेसिकली चीजों को ना बहुत ही डीपली स्टडी करते थे, और डीपली स्टडी करने में देखा कि कोई एटम है या कोई चार्ज है उसके बिहेवियर को स्टडी करने में बहुत ही कम टाइम लगता था, बहुत ही कम टाइम में एक चार्ज यहां से वहां जा रहा होता था, एक एटम यहां से वहां जा रहा होता था, एक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल एक मेटल शीट को या मेटल फॉइल को या किसी भी सरफेस को स्ट्राइक कर रहा होता है एक बहुत ही छोटे टाइम में, जिसको हम नापते हैं सेकंड्स में या उससे भी कम, नैनो सेकंड कभी सुना है आपने?
जैसे मोबाइल में कैलकुलेशंस होते कहते हैं कि नैनो सेकंड टेक्नोलॉजी में हो रहा है, बहुत ही कम टाइम में हो रहा है, पलक आप झपका रहे हैं, आपकी जो हाई स्पीड इंटरनेट है जो हम यहाँ यूज नहीं करते, जो बहुत ही डेवलप कंट्रीज जैसे चाइना जापान यहाँ पे यूज हो रही है, ये बेसिकली नैनो सेकंड्स में हो रही है। अब जैसे कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं आप दबाते हैं और आपको से अगर आपको बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको 5 से 10 मिनट लगता है, बट अगर आप बहुत ही सुपर स्पीड इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आपको क्लिक करने के साथ ही हो जाता है, और वो कितने टाइम में होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं बेटा, वो होता है नैनो सेकंड्स में। तो नैनो सेकंड होता क्या है इस चीज में, तो आप शायद पता चल ही गया होगा कि लेंथ और मास में नैनो का यूज हो के, सर नैनो क्या होता है, नैनो बेटा कोई गाड़ी नहीं होती आपके लिए, नैनो होता है 10^-9, याद हो गया शायद आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना, तो ये अगर आपको याद है तो अब पहले ही लिख देंगे, मेरे लिखने से पहले ही आपका लिखना खत्म हो गया होगा। अगर अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर आपके लिखने से पहले ही हमने लिख डाला है। तो स्टार्ट करते हैं, मिलीमीटर तो नहीं है ये, मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, मिली का अर्थ क्या होता है मैंने बताया था 10^-3 सेकंड, 1 माइक्रोसेकंड बहुत छोटा यूनिट ऑफ टाइम होता है सर ये, 10^-6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड का अर्थ क्या होता है 10^-9 सेकंड, सर पीको सेकंड भी लिखें क्या, उतना छोटा टाइम बेटा हमारे किस तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं साइंटिस्ट लोगों के किसी काम का होगा, और हम पढ़ रहे हैं 11th 12th, ठीक है तो हम यहीं तक पढ़ेंगे बेसिकली, मिली माइक्रो नैनो, ठीक है सर हम यहां तक तो पढ़ चुके हैं, टाइम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सब चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है अब और क्या। अगर आप चलिए आपको मैं अब एक ट्रिक सिखाता हूँ, जैसे जो सन्यासी होते हैं वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं, वैसे ही हम मास लेंथ टाइम ये सबसे अब ऊपर उठने वाले हैं, हम बस यूनिट पे खेलेंगे। अब उसके अब हमारी एग्जामिनर के ऊपर है, आपके टीचर के ऊपर है, आपको मास दे या लेंथ दे या टाइम दे, आप लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे बने रहिए साथ में। आपका एक चीज होता है ऐसा यूनिट, ठीक है ऐसा यूनिट मान लीजिए, छोड़िए पहला चीज होता है आपका ऐसा यूनिट, फिर आएगा मिली, मिली क्या होता है सर ऐसा यूनिट इंटू 10^-3, माइक्रो क्या होता है सर आपको शायद पता चल ही गया है 10^-6, आप मेरे से पहले लिख ले रहे हैं, पीको क्या होता है सर ऐसा ही इंटू 10^ नहीं 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 बेटा नैनो आता है, किसी ने करेक्ट किया कि नहीं किया पता नहीं, 10^-9, पीको क्या होता है सर 10^-12, सर आपने तो यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखा ही नहीं, देखो एंगस्ट्रॉम जो है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली बस लेंथ का यूनिट होता है, आप उसको मास या लेंथ में नहीं निकाल, मास या टाइम में नहीं निकाल सकते हैं। आपको अगर लेंथ दिया होगा तो आप उसमें बहुत ही इजीली एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं 10^-10 मीटर, ठीक है, बट जो कि हम ये लिख रहे हैं ये मास लेंथ और टाइम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये जो तीन आपने लिखे हैं चार आपने लिखे हैं ये एप्लीकेबल फॉर मास लेंथ एंड टाइम ऑल थ्री, कोई भी आपको दे दे, अगर आपको इसके ऐसा यूनिट पता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट हो सर होता है केजी, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है बड़े आसानी से कह देंगे कि लेंथ का ऐसा यूनिट सर होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सर टाइम का होता है बेटा सेकंड। तो अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल दे दे कि बोल दे कि बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दे नहीं रहा हूं मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सर एग्जांपल है तो आप क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, ये भी एक एग्जांपल है, चलो आपके खुशी के लिए एग्जांपल, ठीक एग्जांपल है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में चलिए मान लीजिए आपको दिया है कि एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है आपको नहीं पता, बताया भी नहीं गया है, उसका आपको मास दे दिया गया है, मास इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम, सर आप तो बोले थे कि सर मास में नैनो वगैरह कुछ काम नहीं आता है, हाँ काम नहीं आता है बट फिर भी मैंने दे दिया, बट आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आपने ये टेबल बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, भले आपने पहले के मास लेंथ और टाइम का अलग से नहीं पढ़ा, बट आपने ये चीज अच्छे से अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे कि ये आपका सॉल्यूशन पार्ट आएगा, आप बहुत अच्छे से लिखेंगे कि सर ये जो मास है ना वो सर ये क्या है सर ये
ऐसा यूनिट है, मास का ऐसा यूनिट आपको क्या पता है क्या होता है? ग्राम होता है सर, ग्राम, 1 ग्राम है। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब आप यहां से पढ़ चुके तो आपको पता है, नैनो का मतलब होता है 10^-9। 10^-9 आपने बड़े अच्छे से लगा दिया, तो ये आपका बन गया 10^-9 ग्राम। अब आप कैलकुलेशंस को बहुत ही अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अगर क्वेश्चन में स्पीड वगैरह आ जाए तो हम क्या करेंगे? स्पीड क्या आएगी बेटा? बहुत ही फ्रीक्वेंटली, और 90% ऑफ द टाइम आपको एक स्पीड दी जाएगी, वो स्पीड आपका बहुत ही फेवरेट होगा। जैसे क्लास 11th में एक चीज आपका बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, क्या सर? क्या? जी, हाँ जी, जी का फुल, जी का मतलब क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वैल्यू क्या होता था सर इसका? 9.8 × 10^10 कुछ होता था, 10^1 लिख दें चलेगा? मार दोगे कि जीरो लिख दें? सर जीरो लिख दो, एक ही बात है, 9.8 m² per second एक्सेलरेशन है बेटा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी कितने एक्सेलरेशन से हमको नीचे खींच रही होती है। आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से रटाया हुआ है, आपके एग्जाम में आपको देता है कि इस चीज को ना बेटा आप 10 मान लो, ठीक है सर, मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो ये चीज आपको 11 से पढ़ के बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा कि सर जी का वैल्यू है 9.8 m/s। आप कभी भूलोगे नहीं, रात को 1 बजे आपको कोई नींद से उठा के आपके सिर पे बंदूक रख दे और आप कोई कहेगा कि बेटा जी की वैल्यू बताओ, आप उठ के बोल दोगे 9.8 m/s, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं करूँ, फाइन। बट क्लास 11th में सर ये चीज हमारे कुछ काम का आएगा क्या? क्लास 12th में आ सकता है, बहुत जगह आएगा भाई, बट उतना ज्यादा नहीं। क्लास 12th में आपका फेवरेट एंटिटी बनने जा रहा है सी, सी फॉर सर्किट, नहीं, सी का अर्थ होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सही लिखा है क्या सर आपने? स्पीड ऑफ लाइट, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत है। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए यहां पे क्या चीज इनकम्प्लीट है जो हम मुझे लिखनी बाकी है। अब मुझे पता चलेगा कि जिसने सही से लिखा, जिसका कमेंट मुझे पसंद आया, उसको एरियोपस की तरफ से स्पेशल मर्चेंडाइज कस्टमाइज्ड। तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या चीज अधूरी रह गई है, हम ही बता देते हैं क्या चीज अधूरी रह गई है जो हमने नहीं बताया कि मास्टर जी आपने तो बताया नहीं। लो लिख लो स्पीड ऑफ लाइट इन, तो इसका पूरा वर्जन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर, नहीं, वैक्यूम का मतलब होता है हर वो जगह जहां पे एयर प्रेजेंस ना हो। एयर के प्रेजेंट होने से सर क्या दिक्कत आ जाएगी? वैसे तो लाइट सर हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में, लाइट जाती है यहाँ पे, एक बल्ब है मान लीजिए ऐसे, वैक्यूम का मतलब बेटा ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट बल्ब हमने जलाया, जल रहा है, तो मान लो ये हमारा एटमोस्फियर है जैसा कि अभी है, ये वैक्यूम तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वैरायटीज ऑफ गैसेस है, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे तैर रही होती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है। तो लाइट तो हम चलो कुछ डस्ट पार्टिकल्स को ही बना लेते हैं, जैसे कि ये है डस्ट पार्टिकल, ये है, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स है, कुछ कुछ गैसेस है हमारे पास, उन गैसेस को भी हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स बना लिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स भी बना लिए, तो हम यहाँ से हमारी जो लाइट जा रही है वो सीधा ना जाके इनसे टकराएगी, कुछ डायरेक्शन यहाँ जाएगा, फिर हमारी लाइट यहाँ जाएगी, इससे टकराएगी, यहाँ जाएगी। तो हमने एक फिनोमिनन पढ़ा होगा क्लास 10th में, नहीं पढ़ाएगा तो बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, हम 12th में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, कि एक चीज होती है इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। सर स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का बेटा शॉर्ट फॉर्म में यही मतलब होता है कि लाइट जब एक मीडियम से कहीं से ट्रेवल कर रही होती है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, तो उस मीडियम में अगर कुछ पार्टिकल्स है, कुछ ऑब्स्टिकल्स है, तो उस ऑब्स्टिकल पर पड़ के वो लाइट ऐसे फैल जाती है। कभी आपने सुबह सुबह अपना कमरा में अंधेरा करके खिड़की खोल दिया होगा तो दिख रहा होगा लाइट की पार्टिकल्स जो है बहुत ही ऐसे दिख रही होती है, स्ट्रीम लाइन में दिख रही होती है कि एक बहुत छोटा सा विंडो वहां से आ रही है और बहुत फैल रही है आते टाइम, और आपके कमरे में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ऑब्वियसली होगा। तो इसका भी यही मतलब होता है कि लाइट यहाँ से आ तो रही है बट डस्ट पार्टिकल से लग के ये कुछ कुछ रैंडम डायरेक्शन में चली जा रही है, स्कैटरिंग का ये होता है मतलब। तो सर वैक्यूम का क्या मतलब होता है? वैक्यूम का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा कोई मीडियम जहां पे ये सब पार्टिकल्स ना हो,
यहाँ पे बस हमारा लाइट अकेला हो, लाइट सोर्स हमारा अकेला हो। जैसे हमने यहाँ पे एक बल्ब जलाया, जो मान लीजिए अगर ये एटमोसफियर में ना रखे, वैक्यूम में रखा है, तो इसके सामने तो कोई पार्टिकल्स नहीं आएगी, ये जहां जैसे लॉन्च हुआ है वहां वैसी पहुंच जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइंस में जाता है। लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो ये इधर या उधर नहीं जाता है। या आपके जैसे स्कूल के बच्चे तो है नहीं, जो स्कूल से निकले तो है बट वो आइसक्रीम की गाड़ी देख के स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, ये लाइट है। अगर आपने इसको वैक्यूम में लॉन्च किया है तो ये बेटा सीधा ही जाते रहेगा। इसलिए हमने रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आइडियल केस, बहुत ही आइडियल केस, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है सर? सी का वैल्यू बेटा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये आपने निकाला कैसे? ये मैंने नहीं निकाला, ये साइंटिस्ट ने निकाला है। ये पर्टिकुलर लाइट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर टाइम तक लॉन्च करो, और पता करो कि हमने जो लॉन्च किया वो कितने टाइम लगे उसको वहां तक पहुंचने में, उस टाइम को नोट करो, बीच का डिस्टेंस नोट करो। और बहुत ही इजी फॉर्मूला तो हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लिखते हैं वी, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, यहाँ एस का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब होता है टाइम। तो वैसे ही है स्पीड ऑफ लाइट, ये आ जाएगा वी की जगह हम लिख देंगे सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फाइंड नहीं किया, हमने फाइंड करना भी नहीं है, हमने बस इस कॉन्स्टेंट का यूज करना है। तो सर ये आइडियल कैसे आ गया 3? आप तो बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड में कुछ आइडियल होता नहीं है, इवन एटमोसफियर में भी कुछ भी आइडियल नहीं है, एटमोसफियर है वैक्यूम नहीं है, एटमोसफियर में भी बहुत सारी गैसेस होती है, एटमोसफियर भी हमारा वैक्यूम नहीं है, इट्स नॉट आइडियल। तो सर ये आइडियल वैल्यू आया कहाँ से? 3। भाई हमने अप्रोक्सीमेट किया है सी का वैल्यू एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो नहीं होता है, कितना होता है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और वही स्कीम आपके लिए भी है, जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा उसको मिलेगा एक्सक्लूसिव एड्यूपस की तरफ से कस्टमाइजेबल मर्चेंडाइज। तो चलिए वापस आते हैं इस चीज में। तो हमने ये सब पूरा देख लिया, तो चलो हमने कल से क्या क्या देखा? हमने कल से 3D और 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, उसके बाद हमने बेटा यूनिट कन्वर्जेंस देखे। अब हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलस की। आप में से कितने लोग भूतों से डरते हैं? बहुत सर, हम भी डरते हैं। जो नहीं बोला भूत से डरता है रात को, वो भी फ्रिज से पानी निकालते टाइम वो भी डरता होगा, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं वो। बट अगर मैं पूछूं कितने लोग कैलकुलस से डरते हैं, आज नहीं जब आप मैथ्स में कैलकुलस पढ़ चुके होंगे, आप में से 100% लोग हाथ खड़ा करेंगे सर हम कैलकुलस से डरते हैं। कैलकुलस सर डरने वाली चीज़ क्यों है बेटा? है, अगर आप नहीं पढ़े तो दुनिया की हर चीज़ डरने लगने वाली है। अगर अगर आप नर्सरी के बच्चे से पूछे तो उसके लिए 1 + 1 = 2 भी डरने लायक चीज़ ही होती है, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ में काफ़ी नए हैं, 1 + 1 = 2 तो ये नहीं है ये, बट आप इस चीज़ को वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे के लिए वो भी बहुत टफ होता है, वैसे ही आप नए नए सीख रहे हैं तो आपके लिए ये भी थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। बट बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंटली बने रहे होंगे तो ये चीज़ आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। बट जब आप मैथ्स के लिए पढ़ेंगे ये चीज़ तो आपको बहुत ही डिटेल जाना पड़ेगा, बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ेंगी कैलकुलस को समझने के लिए। इतनी आसान सी चीज़ तो है नहीं। साइंटिस्ट ने पूरा पूरा 100 से 200 साल लगा लिया इस पूरे कैलकुलस को डिकोड करने में कि होता क्या है ये। तो हम थोड़ा तो मेहनत कर ही सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस है क्या। कैलकुलस का अर्थ होता है बेटा, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ रहे हैं, कैलकुलस का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखने का नजरिया। कोई भी अगर बड़ी चीज़ है तो हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, कोई भी अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलस को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा आ जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। लेमन पढ़ा क्या आपने? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट 12th में बिना आपके डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के आपका पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है, हम अच्छे से इस चीज को समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला डिफरेंशियल कैलकुलस से। हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंशियल।
सर डिफरेंशियल कैलकुलस इतना बड़ा नाम है, इसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं बेटा जरूरी नहीं है, हम डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन। एक ही बात है, डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन एक ही बात है, तो हम डिफरेंशिएशन को नाम रखते हुए इस चीज को देखते हैं, डिफरेंशिएशन सर होता क्या है, तो चलो समझते हैं इस चीज को। आपने कभी जिग्सॉ पजल खेला है? तो आपके पास एक सीनरी होती है बेसिकली, ये फूल पत्तियां बनी होती हैं, ये कुछ पेड़ है, चिड़िया उड़ रही होती है, एक घर है और भी बहुत कुछ, सूरज बना देते, चलो आपकी फरमाइश पे, आपकी फरमाइश पे चलो, एक बादल भी है, ठीक है। और आपका टास्क क्या होता है इस चीज में, आपको टास्क देता है बनाने वाले ने, इस चीज के आपके टुकड़े कर रखे हैं, यहाँ से एक टुकड़ा होगा, 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 यहाँ से काट दिया, यहाँ से बांट दिया, ऐसा। तो आपका टोटल पीस जो है आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा, यहाँ पे पेड़ का कुछ पार्ट है, यहाँ पे घर का कुछ पार्ट है। तो आपको करना क्या होता है, इन सारे पार्ट्स को आपको साथ में जोड़ना है, और साथ में जोड़ के आपको क्या बनाना है, एक टोटल सा बड़ा सा फिगर बनाना है, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस भी कुछ ऐसा ही है, जोड़ना नहीं तोड़ना। जैसे बड़ा सा फिगर है, उस मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस मैन्युफैक्चरर के बगल में हम बैठ के देखें, तो उसने क्या किया है, उसने सॉरी उसने इस पिक्चर का, सीनरी का डिफरेंशिएशन कर दिया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़े से पार्ट को बांट बांट के छोटे इक्वल पार्ट में बनाने का। अगर आप उस जिग्सॉ पजल को देखें तो सारे पार्ट्स इक्वल ही है, इक्वल मतलब सर हमको दोनों एक, सर हमको कोई भी पार्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल है नहीं। हम कंप्लीट डिटेल कब पाएंगे, जब उन सारे हम सारे पार्ट्स को साथ में मिला के बड़ा पार्ट बना लेंगे। तो उस मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसने क्या किया है, यहाँ पे किया है उसने तो हमने कर दिया इस चीज का डिफरेंशिएशन। कैसे किया डिफरेंशिएशन हमने कर दिया इसका, कैसे किया, बड़ा सा एक इमेज था, उसको हमने डिफरेंशिएट करके, उसको हमने डिसइंटीग्रेट करके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में हमने बांट दिया। वैसे ही हम इंटीग्रेशन में क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में हम बेसिकली एक छोटा सा आपको सीन दे देता हूँ क्या करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक बड़ा सा लंबा सा एक वायर दे दूँ, ऐसा है सर वायर ऐसा होता है, नहीं बेटा वायर ऐसा होता है, सर आप झूठ बोल रहे हो, वायर ऐसा कहाँ होता है, हमारे घर में जो वायर आती है सर वो तो देखो इतनी पतली होती है, आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरा है, बिल्कुल दिख रही होगी। तो सर हमारे घर में एक ऐसी तार आती है, एक लाल रंग की, एक आती है हरी रंग की, और सर एक काली रंग की भी तार आती है सर, इससे इससे मोटी तो सर तार होती नहीं, हमने देखी नहीं। बेटा वो आपने यहां से देखी है, बट अगर आप उसको बहुत ही डिटेल जाके, बहुत ही माइक्रोस्कोप तो नहीं कह सकते, बहुत ही बहुत ही पावरफुल अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर आप उसमें जाके इस चीज को देखते हैं, अगर आप अपने एक वायर को देखते हैं, तो आपको वायर कुछ सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि देखो बेटा वायर का मैंने एक सेक्शन लिया है, उस सेक्शन से एक पर्टिकुलर मान लीजिए 1 एम्पियर ऑफ करंट जा रहा होता है, ठीक है, बट मुझे स्टडी करना है इसके एक छोटे से पोर्शन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस छोटे से, मैं इस पूरे वायर पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालूंगा, मैथमेटिकल फंक्शन निकालूंगा कि सर यहाँ से जो यहाँ करंट जा रहा है, करंट का जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना है, मान लीजिए जो भी एफ एक्स है। ज्यादा हाई मैथमेटिक्स तो नहीं बोल दिया मैं कि सर पता चला आप मुझे रिजेक्ट कर दिए कि हाँ मैथमेटिक्स वाली बात कर रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स नाम है तो क्या उस मैथमेटिक्स ही बना दोगे, सिंपल कोई भी फंक्शन है आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। ये तो पूरे तार का हो गया, मुझे एक छोटा सेक्शन चाहिए मान लो इतना, तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा इस टोटल फंक्शन का कि मान के चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक चीजें सेम है, तो मैं छोटा सा चीज लूँ, बात तो एक ही है। अगर आपकी मम्मी घर में चावल बना रही है ऐसे, ये आपका बर्तन है, नीचे आग जल रहा है, अच्छा लाल से बनाओ क्या, लो आग बना दिए, नीचे आग जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके चावल बैठाए हुए हैं, अंदर पानी है, पानी है बहुत सारे चावल, सर चावल ग्रीन नहीं होते, ठीक है भाई और कोई रंग है नहीं यार। तो कभी आपने देखा होगा कि चावल पके हैं या नहीं पके, आपकी मम्मी कैसे पता करती है, यहाँ से कोई भी एक छोटा सा चावल का दाना उठाएंगी, उसको ऐसे दबा के देखेंगे गल गया, ठीक है। वैसे भी सेम, क्योंकि एक चावल का दाना अगर गला है तो बाकी के सारे चावल के दाने भी कुछ वैसे ही होंगे, कोई अलग तो होंगे नहीं, किसी को पहले या किसी को बाद में तो डाले नहीं, सबको साथ में डाले, या मैं यहाँ से एक चावल उठाऊं या यहाँ से एक चावल उठाऊं, अगर वो उसका बिहेवियर जैसा है, सब पूरे बर्तन के चावल का बिहेवियर वैसे ही होगा, उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि तार के पूरे
पूरे लेंथ का, अगर करंट का फंक्शन या वोल्टेज का फंक्शन जिस टाइप का होगा, मैं एक छोटे एरिया का ले लूं, उसका भी बिहेवियर कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो हमने ये देखा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़े से पार्ट को, जो कि जिसके भी सारे जगह पे चीजें बहुत ही आइडेंटिकल है, उस चीज को हम छोटे छोटे हिस्से में काट के एक पर्टिकुलर हिस्से को स्टडी करते हैं, जिससे हमें उस चीज का बहुत ही डीप नॉलेज होती है, क्योंकि बड़ा एरिया हमको स्टडी करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सर फॉर्मूला कुछ कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। डिफरेंशिएशन का बेटा मेन फॉर्मूला ये होता है, अगर मान लीजिए हमने एक फंक्शन लेते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन लेते हैं, फंक्शन भी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं इसमें अपने पढ़ रखा है रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 शायद है, चैप्टर नंबर 1 क्या होगा सेट होगा, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपका आर्बिट्ररी फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, उसका मैं करना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूं तो उसको मैं लिखूंगा, आपके लिए लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग, बड़ा कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह पहले बार के लिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड बहुत लगाया है, मल्टीप्लाइंग 2 टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 5 टू बोथ साइड्स इक्वेशंस में, तो हमने कर दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कोई पार्शियलिटी नहीं। तो सर डिफरेंशिएशन होगा कैसे? हम लगाएंगे डी बाई डी एक्स। सर हमने एक्स क्यों लिखा बेटा? फंक्शन किस चीज के फॉर्म में है? फंक्शन है बेटा एक्स में, तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन है एक्स के टर्म में, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। यह हमारा क्या था सर? वाई था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर यहाँ पे डी डी बाई डी एक्स लगा दें, लगा दो, ये होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो हो गया सर डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, पर सर इसको करते कैसे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? हमें तो कोई ऐसा फंक्शन देगा नहीं, हमें तो कोई साइन कॉस या एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 5 ऐसा कोई फंक्शन दे देगा। तो सर इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला बताओ, जैसे हम फॉर्म बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लें। तो देखो बेटा फॉर्मूला ये होता है, सब नोट करेंगे, सब बहुत ही सीरियसली देखेंगे। मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। सर एन क्या होता है? एन कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, एन कैन बी आइदर 0, एन कैन बी आइदर 1 2 3 4, कोई भी जो नंबर आप याद कर सको, जो नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, 10 लाख लगा दो, 5 लाख लगा दो, आपकी मर्जी। ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास बेटा एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, पहले जमाने के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बहुत इस चीज पे स्टडी किया और एक फॉर्मूला निकाला था डी बाई डी एक्स। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट किया, उस तरफ क्या था? डी बाई डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। सर ये तो मजा नहीं आया, देख इसको और आगे सॉल्व करो ना। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये चीज ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जो एन है ये आ जाएगा आपका सामने, ये उतार दिया हमने इसको नीचे। तो हमने देखा था कि हमने एक्स को उतार दिया नीचे। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या बच गया? x टू द पावर n बचा। हम यहाँ लिख देंगे x, n को ना लिख के हम लिखेंगे n माइनस 1। तो ये बेटा फॉर्मूला है, जैसे कि आपने याद किया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे डिफरेंशिएशन का बेटा ये फॉर्मूला होता है n डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। इस चीज को आपको याद करना है। सर रट्टा मारना तो बुरी बात होती थी ना, रट्टा मारना बुरी बात होती थी, बट मैं आपको रट रहे नहीं, फॉर्मूलाज को याद करने बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज को समझा नहीं, फॉर्मूलाज को याद करा जाता है। बट हमने तो फॉर्मूलाज को समझ भी लिया, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला प्रोसेस कैसे हुआ, उस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, कुछ भी हो जाए इस चीज को तो नहीं भूलना है। ठीक है, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, लिख देते हैं तो आप पता नहीं क्या क्या हेडिंग लगा लेंगे अपने मन से। बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन।
बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस, बहुत सारे अलग अलग चीजों का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो सर क्या आता है हमारे सामने? तो सर आपने बस एक ही फॉर्मूला रखा था कि अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करके बना देंगे सर, n x टू द पावर n माइनस वन, इतना सारा प्रॉपर्टी कैसे आया? साइन कॉस टेन कैसे आया ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, लॉग का भी आप पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू एट टू द पावर x टू द पावर जीरो जो कि होता है कॉन्स्टेंट, वो जीरो होता है, वो आप इसी फॉर्मूला में रख के डाल के देख सकते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे मैथ्स में। चीजों का आपका बस रिजल्ट याद रखना है, जो कि ये साइन और कॉस टेन का बेसिकली बहुत ईजी होता है, बहुत आपको प्रैक्टिस साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम देखने जा रहे हैं, ये फॉर्मूलाज आपको शीट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स हमारा एक फॉर्मूला है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेगा तो आएगा साइन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, फंक्शन चेंज। अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो हमारा डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं होता बेटा, साइन का करोगे तो कॉस आएगा, कॉस का करोगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा सेक ऑफ एक्स। सर सेक ऑफ और टेन का तो कोई रिलेशन था नहीं सर, हमने टेन का रिलेशन हमेशा जोड़ा है कॉट के साथ, तो सर कॉट क्यों नहीं आया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता? ये बहुत ही लेंदी, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन होगा, अब मैथ्स में इसको पढ़ेंगे कैसे आया। अभी के लिए आप रिजल्ट याद रख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हमने 10 का डिफरेंशिएशन किया तो हमारा आया सेक्स स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉग, जिसको आप बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, बहुत ज्यादा लोग डरते हैं लॉग को यूज करने में, बहुत ज्यादा लोग जेई में, ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर होता है लॉगरिथमिक्स लॉग, तो यहाँ आपको उतना दिक्कत होगा नहीं क्योंकि हमने लॉग को यहाँ पे बना दिया बहुत ही छोटा मोटा आदमी, जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली 1/x आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का तो आप यहाँ पे डाल के देख ही सकते हैं, एक्स टू द पावर जीरो, जीरो को हम सामने ला दिए एन की जगह, यहाँ पे एन का वैल्यू हमारा, यहाँ अगर हम देखें एक्स टू द पावर एन, यहाँ एन की वैल्यू हमारी क्या है? जीरो है। सर ये क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट है बेटा, हम आपको डिफरेंशिएशन करें ना करें हमेशा कॉन्स्टेंट हमेशा इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे इसमें क्या है? जीरो है। जीरो पे हमने सामने रख दिया, कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो सर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल्स का। एक्सपोनेंशियल क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये होता है बेटा आयलर्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 2.3। इस चीज को आप याद रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर बहुत इजीली अवेलेबल है सर, एग्जाम में तो कैलकुलेटर हम ले नहीं जा सकते, यूज भी नहीं आपको वैल्यू रखने की। ठीक है, आपको बस ई याद रखना है। हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स, हम इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा बेटा ए सामने आ जाएगा और ये बाकी का जो फंक्शन है ई टू पावर ए एक्स वैसे का वैसा रहेगा। सर ये वैसे का वैसा क्यों रहेगा? इस फंक्शन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, इसका हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन में जो पावर में जो है उसका रिफ्लेक्शन सामने जरूर आ जाता है, बट ये फंक्शन वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखने वाले डिफरेंशिएशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बोलो या फॉर्मूलाज बोलो जो क्वेश्चन बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। अब हम जो देखने जा रहे हो पहले देखी हुई प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, इसको हम बेसिकली फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं। सर फॉर्मूलाज तो हमने देखा था, ऑफ बेटा फॉर्मूलाज नहीं, वो मेन फॉर्मूला था, गॉडफादर था हर चीज का, बैकबोन था, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक फॉर्मूला काम नहीं आता, हम उसको डेरिवेटिव फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, जो बड़े फॉर्मूलाज से बन के आएंगे जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है। पहला फॉर्मूला हम देखेंगे, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है बट इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। हमारा जैसे फंक्शन है, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से बना है, मान लो एक फंक्शन को हम बोल दिए एफ ऑफ एक्स, दूसरे फंक्शन को हम बोल दिए जी ऑफ एक्स, हमने इसका अगर डिफरेंशिएशन करना चाहा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो एक ध्यान से देखना एक फॉर्मूला लगेगा, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, पहला या दूसरा कुछ भी बोल दो, पहला इंटू डिफरेंशिएशन डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। ये हमारा रूल कह लो, इसको प्रॉपर्टी कह लो, इसको फॉर्मूला कह लो, इसको याद करना पड़ेगा। दूसरा हम कहते हैं इसको डिविजन प्रॉपर्टी या डिविजन फॉर्मूला। वाई इज इक्वल टू, पहले हमने लिया था मल्टीप्लीकेशन, ले लिया था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अब हम लिख देंगे इसमें डिविजन। अगर मैं इसको वाई का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत इजी है, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम बहुत ही अच्छे से इस चीज को देख लेंगे। सबसे पहले वो नीचे वाला जो फॉर्मूला है, नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है
g of x into differentiation d upon d x of पहला function जो ऊपर में है f of x, पहले में हमने plus लगाया था, इसमें हम लगा लेंगे minus. क्यों लगाए? क्योंकि difference, क्योंकि इसमें division है. ये देखो f of x by g of x, ठीक है. हमने पहला function into division of into d by dx of, देखो हमने पहले दूसरा function into d by dx of पहला function किया, तो अब हम क्या करेंगे minus में, पहला function into differentiation of दूसरा वाला function g of x, ठीक है, अपॉन g of x का होल स्क्वायर, जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है. ये हमारे दो प्रॉपर्टीज होंगे. हम जंप कर रहे जा रहे हैं डायरेक्ट तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर. तो बेटा हमारी तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं चेन रूल. क्या कहते हैं हम उसे? चेन रूल. वैसे चेन क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद. तो वैसे ही मान लो हमारे एक फंक्शन है जो कि है कुछ इस टाइप का एफ ऑफ, उसके अंदर एक और फंक्शन है जी, उसके अंदर मान लो एक और फंक्शन है एच, उसका एक्स. मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहा तो मैं कुछ इस प्रकार का करूंगा, बाय यूजिंग, सॉरी यहाँ जी नहीं है, वाई नहीं आएगा कुछ, यहाँ पे हम वाई लिख देते हैं आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए. लिखने का तो यहाँ भी लिख सकते हैं बट क्या है, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा हम देख लेते हैं. पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा होल बड़ा सा फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है. फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर जाएंगे, जैसे किसी राजा को मारना होता है तो पहले हम उसके पूरी सेना को मारते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम महल के अंदर घुसते हैं. वैसे ही हमने राजा की सेना को मार दिया, धीरे धीरे हम इसके महल में घुस रहे हैं. डी वाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है. फिर और अंदर घुसेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स. सर इससे अंदर कुछ होता है? नहीं यार, राजा को तो मार ही दिया, सबसे अंदर सबसे सेफ यही फंक्शन बैठा था, हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर डाला है, ठीक है. ये होती है हमारी तीन प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन टिकी हुई है. अब सर इसके एग्जांपल बता दीजिए, चेन रूल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है हम बता देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसका वैल्यू हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, साइन ऑफ लेट्स से एक्स टू द पावर 5, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है. क्योंकि देखो साइन एक खुद पे फंक्शन है, साइन के अंदर एक और फंक्शन है x टू द पावर 5. ये नॉर्मल x होता है तो एक ही फंक्शन होता है, बट ये x टू द पावर 5 है, ये दो दो फंक्शंस है. तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इस तरह सॉल्व करेंगे, लगाया हमने चेन रूल, ठीक है. सबसे पहले बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5, ठीक है. हमने एक बार अगर उसको कर लिया तो उसके अंदर घुसेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5. हमने कुछ देर पहले अभी पढ़ा था साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताओ. साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो जल्दी से हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस टू द एक्स टू द पावर 5. हमने अभी पढ़ा है एक्स टू द पावर एन, जहां एन की वैल्यू हमारी 5, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. यहां हमने सबसे पहले लिख दिया 5 जिसका वैल्यू एन, जिसका वैल्यू है 5, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन का वैल्यू है 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, ये हो गया बेटा हमारा आंसर, ठीक है. इसे कोई डाउट अभी तक तो नहीं आई होगी. तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में मैंने डिफरेंशिएशन में क्या बताया था, हम बड़े पीस को काट काट के छोटा पीस बनाते हैं, डिवाइड करके हम छोटा पीस बनाते हैं, डिस इंटीग्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा जो पीस होता है हमारा, बड़ा जो एरिया होता है हमारा, उसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है. अगर आप, मैं आपको बोल दूं आपकी मम्मी का एग्जांपल लेके, बहुत बड़ा चावल में आपकी मम्मी बना रही है चावल, बहुत बड़े बर्तन में आपकी मम्मी चावल बना रही है. अगर मैं बोलूँ सारे चावल को चेक करो एक एक करके, अब चावल को निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है. बट आप क्या करते हैं, छोटा सैंपल लेते हैं, एक चावल को उठा के देख लेते हैं, ठीक है. डिफरेंशिएशन इसका जस्ट उल्टा होता है. हमको अगर एक छोटे से स्पेस का बिहेवियर पता है और हमको पता करना है कि बड़े स्पेस का बिहेवियर कैसा होगा, तो हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है. अगर हमें पता है एक छोटा सा सैंपल है हमारा एयर का, ठीक है, मान लीजिए पर्टिकुलर गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है जो भी, और हमको पता चला है कि पर्टिकुलर इतना बड़ा एक स्पेस में खाली इतनी गैस बड़ी बड़ी खाली बस यही गैस है, तो हमें पता चला है कि हमारे पास एक स्पेस है, खाली डब्बा है, जिसके अंदर हमें पता चला है, किसी ने बताया कि इस स्पेस के अंदर खाली यही गैस भरी है, तो हमको इस पूरे बॉक्स का बिहेवियर पता करना है, डेंसिटी पता करनी है, जो भी पता करनी है. तो इसके अंदर कैसा होगा, हम एक एक बना के तो देखेंगे पर्टिकुलर कॉर्नर में गैस भरी है क्या क्या है, हम चीज को इंटीग्रेट कर देंगे. इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक गैस अगर भरी पड़ी है, तो
तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है छोटे 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 टुकड़ों को मिलके एक बड़ा सा टुकड़ा बनाना। सर डॉट लाइन कैसे बन गया यार? लाइन इज कंप्राइज ऑफ डॉट्स, क्लास टू मैथ्स। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए छोटे 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 डॉट्स, इनफाइनाइट डॉट्स बना दिए लो, तो लो ये क्या बन गया बेटा, एक लाइन बन गया। ठीक है, तो मैं आपको ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। तो डायरेक्टली जंप करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास पे। सर इंटीग्रेशन होता क्या है? ठीक है, तो इंटीग्रेशन सर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक आर्बिट्ररी फंक्शन है एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सर बार बार आप आर्बिट्ररी बोल रहे हैं, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है सर? रैंडम, कोई भी, कुछ भी, जो भी। हमारे मन हम एफ एस की जगह कुछ भी रख ली, इसलिए हम कह रहे हैं आर्बिट्ररी। साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, हमारी मर्जी। ठीक है, तो सर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो किस प्रकार होगा? डिफरेंशिएशन हम किए तो ये डी अपॉन डी एक्स जैसा कुछ आएगा। सर ये भी फ्रैक्शन आएगा कि नहीं बेटा? ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, हम बहुत ही लंबा और बहुत ही ऐसा टाइप का एक सिंबल लगाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। ठीक है, ये हम लगा डाला, हम डिफरेंशिएट, हम इसका सॉरी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो ये वाई आ जाएगा साथ में डी एक्स आएगा। ठीक है, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट, y का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साइड में इसके dx लगाया, साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ठीक है, इस साइड में मैं कर दूंगा ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। dx लगाना बिल्कुल मत भूलना, dx नहीं है तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए गाड़ी है तो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, वैसे ही अगर आप डिफरेंशिएशन लगा डालें तो अगर आप dx नहीं लगाया तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये तो हो गया ये बेसिक ओवरऑल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार दिखता है, बट सर करके दिखाओ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए बताया था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन ही होता डिफरेंशिएशन का, तो सर इंटीग्रेशन का क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर n, इसका हम मान लो डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे, इसके अकॉर्डिंग y साथ में हमने dx लगाया, ये कुछ n प्रकार दिख रहा है, हम लगा देते हैं इसको अच्छे से x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, साथ में क्या लगाएंगे हम dx लगाएंगे। ठीक है सॉरी, तो हमारे फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना एक फॉर्मूला, इसको हमें हमेशा तक याद रखना है जैसे हमने डिफरेंशिएशन का किया था। ठीक है, तो ये हमारा x टू द पावर, हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, एक्स एन माइनस वन किया था, इसमें हम कर देंगे एन प्लस वन, एन को एक से बढ़ा देंगे। तो सर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा क्या, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में एन का मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है क्या? यस बेटा, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। किसका हो रहा है सर? एन का हो रहा है? नहीं बेटा, एन का नहीं हो रहा, एन प्लस वन का हो रहा है यहाँ पे। सर ऐसा क्यों? फॉर्मूला से डेरिवेशन से बहुत बड़े सर, इंटीग्रेशन इसका कैसे आया ये भी डिराइव करेंगे, बट मैथमेटिक्स में फिर इसमें आपका ना टीचर आपको पूछने वाला नहीं है, बताने वाले हो। गलती से अगर आप उसने पूछ भी लिया था, बोल देना कि हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, क्योंकि तब तक आप मैथ्स पढ़ चुके हो टीचर से मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ है, मार्क्स अगर टीचर काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। कोई भी अगर हमारा एक्स के पावर में कुछ भी फंक्शन आता है एक्स के टर्म में, तो हम ये फॉर्मूला लगा के बहुत ईजिली बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक फंक्शन है, लेट्स अज्यूम दैट y इज इक्वल टू x टू द पावर, आपकी मर्जी, आपने बोला चलो 4, सर हमने नहीं बोला, मान लिया सॉरी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे सर। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx। सर ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी क्यों है? स्टेप मार्किंग कुछ होता है? हाँ सर होता है, कॉलेज में सर नहीं लगता, स्कूल में लगता है, स्कूल वाले हम पढ़ना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करते हैं सर। ठीक है, अब ऐसे कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं है ना कि देखते ही तुरंत सर ये होगा, तो यार स्टेप लिखने में क्या ही जाता है, एक स्टेप थोड़ा सा इंक और वेस्ट कर लो। ठीक है, हमने फॉर्मेलिटी की, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, एक्स टू द पावर 4 डी एक्स लगा दिया। तो सर क्या करेंगे हम, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? एन की वैल्यू हमारे पास है 4, हमारा बेस क्या है? एक्स है। 4 प्लस 1 कितना होता है मेरे साथ बोलो? 6। 6 होता है क्या? अरे 6 नहीं होता बेटा, ये 5 होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? 5 होता है। सर हमको मैथ्स नहीं आता, हमको 1 प्लस 1 2 नहीं आता। सर आपने गलत अज्यूम किया, हम 10th के नहीं है, हम क्लास 2 के हैं, ऐसा नहीं है।
देखो इस तरफ मजाक बहुत हो गया, 4 + 1 = 5, नीचे भी क्या करना है हमें, n प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 + 1 = 5, ये सर इतने से काम हो गया? नहीं बेटा इतने से काम नहीं हुआ, प्लस सी, ये क्या है सर प्लस सी क्यों लगाया आपने प्लस सी, फिर आप यहां भी लगाओ, तो बेटा लगा देते आपके मजे मजे के लिए प्लस सी। सी का मतलब क्या होता है सर, सी का मतलब हमें बता दो, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब बेटा ध्यान से देखो, सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, सी का मतलब कैट तो मैं लिखूंगा नहीं, सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। सर कॉन्स्टेंट आपने क्यों लिखा देखते हैं, ये हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में, इतना तक आप नोट करो, सी का वैल्यू, सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ये भी आप नोट करो, फिर हम देखने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज भी कि सर कॉन्स्टेंट आपने लिखा क्यों, बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट। सर हमने सी फॉर कॉन्स्टेंट अभी अभी पढ़ा है, ठीक है देख लेते हैं। चलो मान लेते एक फंक्शन है जिसका कोई है सी, आपका फेवरेट, हम ए भी लिख सकते थे बट हमने सी लिखा आपकी खुशी के लिए, ठीक है। सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एक्स टू द पावर जीरो। सर आपने एक्स का टर्म कैसे लिखा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट था ना बेटा, एक्स टू द पावर जीरो कितना होता है, एक्स टू द पावर किसी भी चीज का पावर जीरो अगर हो जाए तो कितना होता है, वन होता है, वन इंटू सी, सी कॉन्स्टेंट बेटा कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसका हम इंटीग्रेशन करें डी एक्स, इस चीज में शायद आप अभी कंफर्टेबल हो गए इंटीग्रेशन का साइन लगाने में और डी एक्स लगाने में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, लगा लेते हैं ये डी एक्स, ठीक है। कितना होगा ये सर, ये हो जाएगा हमारा सी इंटू एन का वैल्यू जीरो है, एन प्लस वन बाई कितना है एन प्लस वन, एन की वैल्यू सर हमारी कितनी है जीरो है, सी एक्स टू पावर जीरो प्लस वन कितना होता है वन बाई वन, बाई वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कोई भी हमारा टर्म हो जो एक्स के टर्म में हो, ठीक है, उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेटा एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। क्या पता अगर इस चीज़ का अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये भी तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा था कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बन गया, इंटीग्रेट करके हम क्या बन गया, ये बन गया सर एक्स टू पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो प्लस सी हमने क्यों लिखा समझ में आया, प्लस सी हमने इसलिए लिखा कि हमने अगर इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा होगा तो ये आया होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। सुशांत सिंह की एक बहुत ही अच्छी सॉन्ग है, मैं तेरा डिफ्रेंशिएशन तू मेरा इंटीग्रेशन, याद है नहीं याद है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ये इसका इंटीग्रेशन है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। सी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट हमने अभी सीखा था कितना होता है, जीरो होता है सर, प्लस जीरो लिख लिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमने यहाँ पे जो जीरो लिखा है इसका कोई कॉन्स्टेंट रहा होगा या नहीं रहा होगा, कोई फंक्शन रहा होगा, क्योंकि हमने किसी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन निकाला तो सर ये जीरो तो नहीं आया, अभी कोई आ गया। तो एक चीज तो कन्फर्म है, किसी भी चीज का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स की पावर में गिरावट आती है, एक की गिरावट, अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स की पावर एक कम हो जाती है, किसी भी चीज को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर एक बढ़ जाती है। उसी प्रकार कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी साइन एंड कॉस के सम्मान में हम रखी गए हैं, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएशन हमने किया था तो उसमें क्या आया था, साइन एक्स का क्या आया था जल्दी बोलो, साइन एक्स का आया था कॉस ऑफ एक्स। हम वाई का डिफरेंस, वाई का इंटीग्रेशन करते हैं, y is equal to sin of x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, so minus of cos of x आना चाहिए, ठीक है प्लस c लिख लेते हैं यार अपनी मर्जी है, ठीक है। तो sin को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो cos आया था, cos को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो वो माइनस ऑफ sin आया था। इंटीग्रेशन में sin ने बदला लिया है, sin बोला कि तुमने मुझे डिफ्रेंशिएशन में माइनस मारा, तुम जब तुम्हारा जब खुद का डिफरेंशिएशन हुआ तो तुमने मेरे को माइनस कर दिया, इस बार इंटीग्रेशन मेरा होगा तो माइनस में रहोगे तुम। तो वैसे ही वाई का जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस के टर्म में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। उसी प्रकार वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का हम करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारा क्या आएगा, प्लस ऑफ साइन एक्स, प्लस लगाओ या ना लगाओ बात तो बराबर है, प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी सीक्वेंस पे आगे बढ़ते हुए
हम किसी भी चीज का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं, वन ऑफ एक्स का करते हैं। कुछ चीजें याद आ रही सर, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो वन ऑफ एक्स आया था। इसी वन ऑफ एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए सर, लॉग एक्स आना चाहिए। आपने तो पहले ही बताया था, वो गाना हमको याद ही होगा, मैं तेरा डिफरेंशिएशन तू मेरा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स किए तो क्या आ गया सर, लॉग ऑफ एक्स प्लस प्लस क्या सलमान खान, कॉन्स्टेंट है भाई, हमारी मर्जी जो लिख ले सी लिख लेते हैं यार। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी किस चीज की के सम्मान में रखे हम रखते हैं एक्सपोनेंशियल के सम्मान में, y इक्वल टू e टू द पावर a ऑफ x। इसका हम डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, a इनटू e टू द पावर a ऑफ x आ गया था। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y dx। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, ax ही आएगा, बट वो मल्टीप्लीकेशन में आया था, इसमें डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस c लगा दिया। ठीक है सर, इसमें कुछ चेन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, डिवीजन रूल होता है? नहीं, इंटीग्रेशन में ऐसा बेटा कोई रूल नहीं होता। इंटीग्रेशन में बेटा एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, जिसको हम कहते हैं बाई पार्ट्स। खुशकिस्मती से आपका फिजिक्स में बाई पार्ट्स तो है नहीं। ठीक है, अब क्या होता है सर, क्या नहीं होता है, ये आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स के लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स आपका यहीं खत्म होता है, यहीं आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं हम। तो आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा, समझ में आ गया, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, यूनिट कन्वर्जेंस पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिविजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इस चीज़ के लेक्चर के बाद। कल या परसों हम एक छोटा सेशन करने वाले जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपको इस चीज़ को रिविजन करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन वाले सेशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलिए आज का सेशन बहुत ही अच्छे से आज ही एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।